तो गाइज़ आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि गाइज़ आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ की, जहाँ पर गाइज़ अब WWE की फैंटेसी बुकिंग करेंगे। और गाइज़ आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, और मैं बात करूँगा कि आखिर किस तरीके से WWE आने वाले पेपरू यानी कि गाइज़ रेसलमेनिया बैकलैश में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा सकती है। तो गाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस आप सब जानते हैं कि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका कि ब्रॉक लेसनर हमें WWE में देखने को नहीं मिले हैं। और गाइस पहले आशा लगाई जा रही थी कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आएंगे, लेकिन उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर भी हो जाता है तब भी ब्रॉक लेसनर नहीं आते। उसके बाद लग रहा था कि रेसलमेनिया में वो ज़रूर आएंगे, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। और गाइस अब माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर हमें समर स्लैम के आसपास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस मैं बात करता हूँ कि आखिर किस तरीके से WWE अपनी गिरती हुई रॉ की रेटिंग्स को अगर बचाना चाहती है, कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न डेफिनेटली गाइस यहाँ पर होना चाहिए, उससे WWE की रेटिंग्स को फायदा होगा। और गाइस यहाँ पर WWE के पास एक मौका होगा जब हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया बैकलैश में बॉबी लैशली वर्सेज ड्रू मैकइंटायर वर्सेज ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच। और आप सब जानते हैं ये तीनों वो सुपरस्टार हैं जिनके साथ ब्रॉक लेसनर की हिस्ट्री रही है। बॉबी लैशली के साथ कोई मैच तो नहीं हुआ, लेकिन हम फैंटेसी बुकिंग में इन दोनों सुपरस्टार के मैच की डिमांड करते ही रहते हैं। तो ऐसे में गाइस हो सकता है कि बैकलैश में जब इन तीनों सुपरस्टार का मैच चल रहा होगा तभी हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि आकर बॉबी लैशली ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद गाइस WWE अगर बचाना चाहती है रॉ की रेटिंग्स को तो नेक्स्ट वीक रॉ पर भी लेके आए, जहां पर हमें बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड कंटिन्यू होती नजर आए, जिसके बाद WWE आने वाले बड़े पेपरों के लिए इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड को बिल्ड करे। और उस दौरान हो सकता है कि बॉबी लैशली फिर से ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ लड़ें, लेकिन इन दी एंड हमें समर स्लैम में बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर के बीच WWE चैंपियनशिप मैच देखने को मिल जाए। और इस तरीके से गाइस मंडे नाइट रॉ भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो सकती है। तो गाइस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, जो कि हमारी न्यू सीरीज़ की फैंटेसी बुकिंग की पहली वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइए। एंड गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइस इस वीडियो को लाइक किया मैंने तो कहीं मत जाना। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।